परिश्रम कैसे करना चाहिए अब आपको बताते हैं। आपको प्रधानमंत्री की एक सरप्राइज विजिट दिखाते हैं जिसमें आप परिश्रम का महत्व समझेंगे। रविवार रात करीब 8:45 पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। रविवार रात 8 बजे यानी जब आप लोग सब छुट्टी मना रहे थे, आप सब की छुट्टी थी, आप सब लोग या तो बाहर गए होंगे खाना पीना खाने के लिए, मॉल में गए होंगे या फिर टीवी देख रहे होंगे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोपहर को ही अमेरिका के 3 दिन के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री आराम किए बिना ही काम पर लौट आएंगे, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह हैरान किया सबको और नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन साइट पर वो 1 घंटे तक रहे। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पावर पैक्ड शेड्यूल था, उन्होंने वहां 20 से ज्यादा मुलाकातें बैठकें की, संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। इसके बाद वो लगभग 17 घंटे की यात्रा करके कल दोपहर 12:30 बजे दिल्ली लौटे। एयरपोर्ट पर वहीं पर एक और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद शाम तक एक उच्च स्तरीय बैठक की और जब ऐसा लग रहा था कि अब वो थक गए होंगे, इसके बाद आज कम से कम कोई और कार्यक्रम नहीं होगा, तो वो अचानक इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। उसकी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास है, आप देखिए। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। दिखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। आपको शायद अभी तक भी पता नहीं होगा कि भारत में अब नया संसद भवन बन रहा है और नवंबर 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद भारत के जो सांसद हैं और भारत की जो संसद है वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। और अभी तक आपने जो अपनी किताबों में, इतिहास की किताबों में और हर जगह ये जो गोल आकार की बिल्डिंग आपने देखी है, अभी तक जो संसद भवन जो कहलाता है, ये अब पुराना हो जाएगा और नई बिल्डिंग इस तरह की होगी। नवम्बर 2022 में भारत के सारे सांसद
जब संसद भवन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ बैठा करेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।